बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बेटी बचाओ नहीं ये कहते हैं बेटी उड़ाओ बेटी मराओ, इनका काम ये है। अच्छा। इसलिए हम इसको नहीं देना चाहते। अच्छा। बहुत ज्यादा गंदगी बीजेपी ने फैलाई। बीजेपी अब की बार राजस्थान में हिंदुत्व पे चुनाव कर रही है। अच्छा। वो साफ दिख रहा आपको। अच्छा। मत तो बन गयो कि अब की बार बोतल नहीं जीता श्या तो, नई पार्टी ने लाकर देख लिया आ कहीं खराब दिखाई। जिंदगी वेट की मगा बड़का मरेगा कांग्रेस सर में मर्जी शाह। अच्छा। अब बाकी और राज बोला बीजेपी ने जोर से क्यों नहीं दियो। नंबर का नेता पूरा इंडिया में घूमे तो ऐसा नेता नहीं मिलेगा यूनुस खान जैसा, लेकिन उसको टिकट क्यों नहीं दिया यूनुस खान को? ये मुस्लिम लोगों को चाहते ही नहीं है। इसी टाइम पे जिला सही है। अच्छा। घोषणा तो पहले ही कर सका डीटवाना और बीटीएम ही घोषणा कर सका। कांग्रेस हमारे साथ कभी खड़ी नहीं हुई। अच्छा। जब फिर भी हमने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। अच्छा। आज काम हमारी कांग्रेस नहीं आती है तो हमें क्या जरूरत है उसको तेल लगा के चाटना थोड़ा ही है। राशन कार्ड की साइड खुली कौन है, फलानी खुली कौन है, तो भाई क्या अमेरिका में थोड़ी खुलसी? कांग्रेस वाला खुलाओ बीजेपी वाला खुलाओ, इंडिया में जो देश में कानून है वो ही तो खुलासी नहीं। हमारा हमारी तरफ से तो हनुमान बेनीवाल का है। हनुमान बेनीवाल बिल्कुल। अच्छा, हनुमान बेनीवाल का माइनॉरिटी का वोट काफी फेन हो रहा है, क्या कारण है जी? हनुमान बेनीवाल काम कराएंगे उम्मीद है उससे। अजी मिनिटली है ही के कुचामन सु बढ़िया है, डीडवाना सु बढ़िया है, आसे पास रतनगढ़ बढ़िया, चूरू सु बढ़िया, अभी के बाद में जिलो क्यों कौन बने सुजानगढ़ कमी कहीं है सुजानगढ़ में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV 24। प्रदेश में चुनाव है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच सर्दी भी बहुत तेज हो गई है, और इसी सर्दी के बीच जब चूरू जिले की बात ना हो तो मज़ा ही कुछ कम रह जाता है। तो चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ कृषि मंडी के सामने मरियम मस्जिद के पास। यहाँ माइनॉरिटी के वोटर हैं, जानते हैं कि इस बार माइनॉरिटी के वोटर किसकी तरफ करवट ले रहे हैं। काफ़ी सारे युवा साथी और नौजवान और बुजुर्ग हमारे साथ में हैं, जानते हैं। राम राम साहब, के नाम है? मोहम्मद इशाक। के लागा है, थोड़ा नीचा आ जाओ, तेरा राइट खूब हो रखी है। के लागा है इबका वोट बाट किन्ने दे रहे हूँ? मैं बोतल दिशा बोतल ने के लागा है। तो मनोज मेघवाल इतनी बार मतलब 2.5 साल से विधायक हो, पहली बार पिताजी हाँ मंत्री मंत्री भी रेडा है, के काम करवायो विधान पी ते बता दे। मनोज मेघवाल जी बनाया बान खुशी हूँ बनाया, और बौंडलाल जी खत्म होने के बाद में इच्छा हूँ बान जिताया, लेकिन बांगन काम उम की कोनी, खाली दिलासा है, वादा करे ओ करा दें वो करा दें करावे की कोनी। अच्छा। वास्ते मागो मत तो बन गयो कि अब की बार बोतल नहीं जीता श्या तो, नई पार्टी ने लाकर देख लिया आ कहीं करावा दिखाई। तो बीजेपी ने क्यों दिया? बीजेपी ने दिया, बीजेपी में भी फैली हाँ में बीजेपी ने भी वोट दिया, लेकिन बीजेपी में खेमाराम जी सूते ही रे हार संभाल ही को नहीं। तो ये भी कहता संतोष जी है। संतोष जी है, लेकिन आपकी बार मांगी इच्छा होगी बोतल ने वोट दे। अच्छा। के लागे हनुमान बेनीवाल इशो के कर देगा? हनुमान बेनीवाल बहुत बढ़िया काम करोगे आपकी बार, क्योंकि इच्छा है जहाँ टूल हटा देगो, और जहाँ राशन कार्ड वाला मामला है जी को ए खरे नहीं कर बड़े राशन कार्ड की साइड खुली कौन है, फलानी खुली कौन है, तो भाई क्या अमेरिका में थोड़ी खुलसी? कांग्रेस वाला खुलाओ बीजेपी वाला खुलाओ, इंडिया में जो देश में कानून है वो ही तो खुलासी नहीं, साइड कौन खुली तो बोलो कौन खुलासी साइड में नहीं बताओ। दूसरी बात है, कोई भी विकास का मायना वादा ही हो है, काम कौन ही हो है? वादा तो जिला बनने का भी किया है। हाँ जी, हाँ जिलो बनो क्यों आ ले इतना दिन तक सुजानगढ़ को हक बनो फर्स्ट का मायने जिलो बनने को 19 जिला बनाया देना क्यों होगा? हाल प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, सुजानगढ़ का नंबर आसी सुजानगढ़ नंबर आयो। राम राम साहब। राम राम। के लागा है ताऊ जी, इबका किन वोट दे रहे हो? मैं तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही हो? हाँ। तो कांग्रेस ने कहे दे रहे हो वोट देशा? काम कराए हो मनोज में एक बार? कौन कराए लो भाग कांग्रेस से मतलब है? तो ये तो जो कह रहे हैं कि कांग्रेस काम कौन करे पे बोतल ना देशा आ जाओ थोड़ा सा आ जाओ के जो कांग्रेस है भागत साहब क्या कांग्रेस ने के कारण दे जिंदगी वेट की मगा बड़का मरेगा कांग्रेस से सर में मर्जी शाह। अच्छा। अब बाकी और राज बोला बीजेपी ने जोर से क्यों नहीं दियो? तो काम कोनी चाहिए के ताने काम आगे होयो है के होयो है सब होयो बाकी काम रोड पड़ी है। अच्छा। आईडी है और बाकी बीजा आईडी है थोड़ा सा आ जाओ के करे हो क्या आईडी है अजी बडेरा आदमी है बा कांग्रेस पकड़े लिया तो कांग्रेस आऊं छूटे को नहीं है कांग्रेस नहीं वोट देसी। अच्छा। आन काम और मतलब को नहीं सिर्फ पार्टी हूं मतलब है मुसलमान कांग्रेस के बंदेड़ा है और सिर्फ कांग्रेस नहीं वोट देसी तो थे भी बोतल लगा दे रहे नहीं मैं तो यहां देखा कि जनता को सबको भलो होना चाहिए मानो मारो मतलब को नहीं मैं तो यहां देखा कि गांव को भलो होना चाहिए
सब जनता को भलो होना चाहिए, खाली आपको भलो देख कर कोई फायदा को नहीं। तो अंकल विकास को नहीं चाहिए के दाने जी अभी टावरान पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो जावे और की कोई काम अच्छो सड़कांग हो जावे हॉस्पिटल बढ़िया हो जावे तो है तो कह को नहीं हो जदी तो कांग्रेस ने कोने दे रहा बोलो क्यों मत हो रहा मांगा तो कांग्रेस ही है। गहलोत अशोक आदमी है, अशोक गहलोत किशोक आदमी है, अशोक जोर को और बड़ो का उसे जोर का ही है। मुख्यमंत्री बढ़िया है, बढ़िया ही है, टक्कर तो बीजेपी और आरएलपी के बीच में है, कांग्रेस रेगी ले रहे। तो मनोज मेघवाल के जिलो बना दियो के मैं बढ़िया जिलो चलो की कौन बनियो दिलासा दे रहे जिलो बन गयो जना कागजा में दिखाओ माना के जिलो बन गयो मैं कांग्रेस ने वोट दे सिया बोलो। नामांकन में तो चुरू भरे बताओ। हाँ नामांकन चुरू भरे जना जिलो बनियो कटे बताओ थे हैं झूठी बात कर रहे हैं सब झूठी बात है सब झूठी बात है सब। मैं तो यहाँ क्यों ओरिजिनलिटी है नहीं बात दिखाओ अच्छा। बात दिखाओ तो मैं तो एक ही कौन अल्लाह कांग्रेस ने छोड़ अच्छा। लेकिन ओरिजिनलिटी कौन है सिर्फ झांसाबाजी कर रहे हैं झांसाबाजी कितना दिन चाल सी अच्छा। बात है और भी भाई है बैरम राम के नाम है मोहम्मद वासिद के लागे आसिफ भाई के माहौल है सुजानगढ़ में कांग्रेस ही है कांग्रेस ही है हाँ। कांग्रेस के हैं अगर कांग्रेस आए तो जिलो बन जी सी कांग्रेस नहीं आए जिलो कौन बने अच्छा। तो मैं तो कह रहे हैं दिलासा दिया है सिर्फ मनोज मेघवाल दिलासा ही है तो फिर कांग्रेस ने वोट कहाँ दे रहे हो तो ये टाइम पे दिलासा ही है अच्छा। घोषणा तो पहले ही कर सका डीडवाना और बीटीएम है बीटीएम घोषणा कर सका तो फिर कांग्रेस ने वोट कहाँ दे रहे हो जब दिलासा ही दे रही है ना। देखो आप चुनाव माहौल है के बेरो पट्टा के नहीं हो के हो है टक्कर के बीच में है टक्कर संतोष मेघवाल ही है आरएलपी ओरएलपी देखो अब बाकी नई पार्टी है नई पार्टी हम टाइम लाग छे जमनंग में 30,000 वोट लिया बता पिछली बार उपचुनाव में के बेरो ताने के लागे भाई जी कांग्रेस है भाई जी कांग्रेस है कांग्रेस में कौन है मनोज मेघवाल के कराए थार वार्ड में ठीक है जो भी है जो भी काम करे ठीक है अपने लिए और हमेशा दादा परदादा वोट देता है कांग्रेस में तो बंग लहरी चाल छो काम भी चाहिए लेकिन ठीक है लेकिन दिलासा तो दिया अबार जिले के लिए लेकिन मेरे कहने का मतलब आई है ठीक है अगर मनोज मेघवाल आ जावे तो इंशाल्लाह जिलों मरने की कोशिश भी हो सके अच्छा। अरे मनोज मेघवाल नहीं आवे तो जिलो तो कोई विधायक बन सी वो जिलो बनवाई सी तो जिलो विधायक साल वाला बापू रही है के करियो फिर ये जिलो की कौन बनायो ए जिलो तो कौन बनाए लेकिन मंत्री रहा जो छोटा छोटा गांव है दूध वाली आ सब अभिनंदन जिला घोषित कर दिया सुजानगढ़ इतना बड़ा शहर है दूध वाली अगर बिना इतना बड़ा अब छोटा छोटा शहर है बिना ने यानी जिलो बनाने घोषित कर दिया लेकिन सुजानगढ़ इतना बड़ा जिला है तो सुजानगढ़ बड़ा तारो नेतृत्व कमजोर हो गो जना तो कौन करियो नेतृत्व कमजोर है भाई जी सही बात है कमजोर की कोने जी मंत्री साहब में पावर कोनी बात है अच्छा समझानी नेतृत्व की कमजोर कोनी सुजानगढ़ से टॉप में व्यापारी लाइन में टॉप है बिजनेस लाइन में टॉप है हर चीज में टॉप है ऑफिस में मिनी इटली का बताओ सुजानगढ़ ने तो कहीं क्यों है मिनी इटली अजी मिनी इटली है ही के कुचामन सु बढ़िया है डीडवाने सु बढ़िया है आस पास रतनगढ़ बढ़िया चुरू सु बढ़िया है अभी के बाद में जिलो क्यों कौन बने सुजानगढ़ कमी कहीं है सुजानगढ़ में तारे नेता का कमाई कमजोरी नेता में कमजोरी है जद्दी कौन बनियो जन मैं पीछे हटिया कांग्रेस से छोड़ अच्छा आ बात है तो के लागे आरएलपी बनवा देगी आरएलपी तो गारंटी बनवा दी सी ताने के लागे भाई जी देखो सरकार घोषी है वो सरकार तो है के जिलो तो बनो ही आज नहीं तो कल बन सी आज नहीं तो कल बन सी कल नहीं तो परसों बन सी जिलो तो सुजानगढ़ बनो ही है कहीं इमें कोई फर्क को नहीं आ बात है लेट बन जाएगो जिलो तो बनाई सी ले कह रहे हो भाई जी भाई ताने के लागे राम 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 साहब के नाम है मोहम्मद समीर कुरैशी समीर भाई के लागे है के माहौल है चुनाव स्टेशन रोड मार्केट की सभी रोड बनी है जाके देखो आप अच्छा। आज तक किसी एमएलए ने इतना काम नहीं किया यहाँ पर अच्छा। आला बापू भी बन रहे हो गए बापू तुम अकेले करे सुजानगढ़ में तो अमले को काम रहे बापू को थोड़ रहे नहीं थालो नहीं तो मनोज मेघवाल बापू भी कार्यालय लाए जदि जिलो बन अच्छा कड़े बने हो जिलो ये तो कह रहे जिलो बने हो तो कागजाम बने हो जिला नोटिफिकेशन आ जाएगा किसकी भी सरकार बनो ऐसी आवामी बातें करने से थोड़ी होता है तो नामांकन में तो ये चुरू भरे बताओ आप तो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना तो किस गांव को लेना है रैली सभा करनी है रैली नहीं भाई साहब आचार संहिता लग गई ना अच्छा किस गांव को लेना एक दिन में थोड़ी है अभी हम डूंगरगढ़ को ले लें तो वो तो विरोध करेंगे कोई बीकानेर संभाग से सुजानगढ़ जिले में कैसी आ जाएगी ये तो आपको ही पता है आपको क्या लगता है अंकल
क्या माहौल है इस बार चुनाव रहा? माहौल ठीक चल रहा है। किसका क्या पलटा भारी है? हमारा हमारी तरफ से तो एक हनुमान बेनीवाल का है। हनुमान बेनीवाल? बिल्कुल। अच्छा, हनुमान बेनीवाल का माइनॉरिटी का वोट काफी फेन हो रहा है, क्या कारण है? जी, हनुमान बेनीवाल काम कराएंगे, उम्मीद है उससे। अभी तक आया नहीं है, आता है तो हमें उम्मीद है कि वो कुछ कराएंगे। कभी काम पड़ा है हनुमान बेनीवाल? नहीं पड़ा है, काम नहीं पड़ा है। कोई रिश्तेदार का? कुछ नहीं। अच्छा, काम कुछ नहीं पड़ा है। नया पार्टी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो नया पार्टी आए। कभी पुराने भाषण सुनते हैं उनके? कुछ नहीं सुना। पुराने पार्टियां हैं, सदियों से हमारी है, हम हमेशा कांग्रेस को देते आए, कांग्रेस को छोड़ के कहीं नहीं गए। कांग्रेस हमारे साथ कभी खड़ी नहीं हुई, जब फिर भी हमने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। आज काम हमारी कांग्रेस नहीं आती है तो हमें क्या जरूरत है उसको तेल लगा के चाटना थोड़ा ही है। और बीजेपी? बीजेपी में हमने कमारे गए, कोई कुछ नहीं किया आज तक बीजेपी ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया। अच्छा, अभी लोग झूठे के बोलते हैं कि हमारे ये किया वो किया, झूठे वादे जो है बीजेपी करती है। अच्छा, हर वादा वो 15 लाख से लेके आज तक। अच्छा, मोदी कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं बेटी बचाओ नहीं, ये कहते हैं बेटी उड़ाओ बेटी मराओ, इनका काम ये है। अच्छा, इसलिए हम इसको नहीं देना चाहते। अच्छा, बहुत ज़्यादा गंदगी बीजेपी ने फैलाई है। हालांकि बीजेपी पार्टी वो वाजपेयी साहब था, एक नंबर की पार्टी थी और हम उसी के साथ गए थे, कांग्रेस को छोड़ के उसके साथ गए थे। अच्छा, वाजपेयी के टाइम आप बीजेपी के साथ थे? बिल्कुल गए थे, और आज भी हम उसके साथ जाने के लिए तैयार है, मगर इनके वादे झूठे हैं, ये सब दलासे हैं, कोई भी इनका काम सच्चा नहीं है, इसलिए हम इनके साथ काम नहीं करना। अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी जब से 2014 के बाद में आई है तो मतलब भाषणों में हिंदू मुस्लिम ये करवाते रहते हैं, आपको धरातल में कितना लगता है हिंदू मुस्लिम का? जी, हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ सही है, हमारे यहाँ सही है। यहाँ पे बीजेपी का कोई, हम ये नहीं कहते कि वो विरोध कर रहे हैं उसका, ये हमारे साथ नुकसान किया, गलत किया, हमारे साथ कोई गलत नहीं किया, बाकी हमारा काम भी कुछ नहीं किया इन्होंने, खाली दिलासा। अंकल, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, लोग कहते हैं कि ऐसी बातें होती रहती है, बीजेपी ने 200 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, एक भी मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं दिया, वहीं पर कांग्रेस ने भी जारी की है, लगभग 25 कैंडिडेट को टिकट दिया है, बस हनुमान बेनीवाल में भी कैंडिडेट हैं माइनॉरिटी के, आपको क्या लगता है ये क्या इसमें कारण मानते हैं कि बीजेपी एक भी मुस्लिम समुदाय को वोट नहीं, टिकट नहीं? बीजेपी वाले इच्छा से मुस्लिम लोगों को नहीं चाहता है। यूनुस खान थे, उनको भी एक ही नंबर का नेता, पूरा इंडिया में घूमे तो ऐसा नेता नहीं मिलेगा यूनुस खान जैसा, लेकिन उसको टिकट क्यों नहीं दिया यूनुस खान को? ये मुस्लिम लोगों को चाहते ही नहीं है, इसीलिए यूनुस खान जी वो निर्दलीय से खड़े हुए हैं, और वो निर्दलीय से एक ही नंबर से जीतेंगे, बहुत शानदार वोटों से जीतेंगे यूनुस खान डीडवाना के अंदर। क्या कैंडिडेट थे वो? तो क्या कह रहे हो? वो जीतेंगे नहीं, जीत चुके हैं। अच्छा, उनकी जीत है, और हो सके तो प्रधानमंत्री उसको आना चाहिए, ऐसा आदमी है वो। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे हो? वो वहाँ के जिताऊ कैंडिडेट थे, बीजेपी से लड़ते तो अभी भी वो एक नंबर पे सर्व धर्म के लोग समर्थन करते हैं उनको। कोई क्या कारण मानते हैं बीजेपी मतलब ऐसा दोखलापन कर रही है? बीजेपी अब की बार राजस्थान हिंदुत्व पे चुनाव कर रही है। अच्छा, वो साफ दिख रहा है आपको, उन्होंने इनको क्या बोलते हैं वसुंधरा राजे को भी कर रही है। कांग्रेस देखो, पार्टी आपकी जगह पॉलिटिक्स तो सभी खेलती है, कांग्रेस सर्व समाज को लेकर चलती है, आपको भी पता है। 15 कैंडिडेट को टिकट दिए कांग्रेस ने राजस्थान में, 25 है या 15, 25 है लगभग माइनॉरिटी। चलो कोई बात नहीं, तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, मेरे साथ माइनॉरिटी काफ़ी वोटर यहां पे खड़े थे, माइनॉरिटी के वार्ड है यहां पे, मैं आ रहा था, सोचा कि जान लेते हैं चुनावी इस चौसर में चुनावी माहौल क्या है, और इसी के चलते गांव देहात में अक्सर मैं जाता रहता हूं, सुबह से शाम हो जाती है, गांव के लोगों से बात करता रहता हूं कि वह इस बार चुनावी माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं। अक्सर मुद्दे यहां पे छिप जाते हैं सिर्फ जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, जातिवाद धर्मवाद भाईचारा ये सब ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सिर्फ मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, नेता भी अंतिम छोर तक जब चुनाव आ जाते हैं, लगभग तारीखें नज़दीक आती है, तो सिर्फ जातिवाद के ऊपर हावी हो जाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस 25 तारीख को किसके पक्ष में मतदान होंगे। फिर मिलते हैं किसी गांव में किसी चौपाल में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।